my name is Priya. Welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are well. So guys, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही different वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पर. इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ मूवमेंट जहाँ पर हमें बहुत प्राउड फील होता है. आज है 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मेरे पापा जी का रिटायरमेंट हुआ था. आज 31 अक्टूबर को पापा घर आ रहे हैं तो हमने एक रिटायरमेंट वेलकम पार्टी रखी है जो कि बहुत अमेजिंग होने वाली है. इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने पापा को सरप्राइज करते हैं और कैसे उन्हें प्राउड फील कराते हैं. अभी तक पापा को कोई आइडिया नहीं है कि हम उनके लिए क्या क्या करने वाले हैं और हमने बहुत कुछ प्लान करा है. सीरियसली गाइज, मतलब बहुत कुछ क्या क्या अरेंजमेंट करना होता है तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ये वीडियो मैं एक मेमोरी के तौर पर शूट कर रही हूँ ताकि आज से कुछ साल बाद मैं ये वीडियो देखूं, दोबारा इसको प्ले करूं तो मेरी यादें ताजा हो जाए और मेरे पापा को भी काफी अच्छा लगे. हाँ यार, वो भी क्या दिन था. उनका स्पेशल डे है, उसको और स्पेशल बनाने के लिए मैंने ये व्लॉग शूट करा है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. लेट्स अभी मेरे साथ दादी है और दादी से पूछते हैं कि उनको आज कैसा फील हो रहा है. मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा बेटा 30 साल में घर में आ रहा, फूल से खिला रहा. अब मेरे को ये लग रही कि मेरे नाते पोते ले जाएंगे इसी रूल में. मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा दिन आ रहा मेरा. और मेरे दादाजी थे वो भी आर्मी में थे. दादी अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी है क्योंकि आई थिंक सबकी फैमिली के लिए बहुत इमोशनल डे होता है और ऊपर से पापा 30 साल बाद आज रिटायर आ रहे हैं. तो दादी, आप और कुछ बोलना चाहोगे जो लोग आजकल के यंग बच्चे हैं, क्या कुछ आप उनको बोलना चाहोगे कि इंडियन आर्मी में उनको जाना चाहिए, या आप उनके मम्मी पापा को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहोगे? मेरे को लग रहा अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये भी आगे बढ़ो. फिर मेरे नाते पोते भी जाने चाहिए इसी लेन में. आपकी फैमिली में एक ना एक बंदा आर्मी में जरूर होना चाहिए. काफी प्राउड फील होता है जो कि अभी हम फील कर सकते हैं कि दादी कितना प्राउड फील कर रही होगी. उनका जो बच्चा है आज 30 साल बाद सर्विस पूरा कंप्लीट करके घर वापस आ रहे हैं. तो अभी मैंने आपसे दादी से बात कराई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से भी बात कर लेते हैं और उनकी फीलिंग जान लेते हैं, उनको कैसा फील हो रहा है और क्या कुछ वो फील कर रही है इस टाइम पे. कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे थॉट चल रहे होंगे और कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके की फीलिंग होगी और होगी ऑब्वियसली 30 साल बाद उनके हस्बैंड जो है मेरे पापा रिटायर आ रहे हैं बिल्कुल हैप्पीली. आपको कैसे लग रहा है आज? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. अकेली मकान थी, बच्चे छोटे थे, अकेले मतलब जिंदगी बच्चों के साथ गुजारी. आज 30 साल में पति रिटायर आ रहे तो मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही क्योंकि वो राजी खुशी अपने घर में आ रहे हैं. हाँ, तो मुझे भी ये बात सबसे अच्छी लगती है कि इंडियन आर्मी में आपको सबसे ज्यादा जो मिलती है वो होती है रिस्पेक्ट. आप बड़े हो या छोटे हो, आपको रिस्पेक्ट दी जाती है. बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे पापा आर्मी में हैं. सीरियसली, मतलब जब भी कोई दोस्त या रिलेटिव्स या कोई भी कुछ पूछता है हम बहुत प्राउड फील होके बोलते हैं कि मेरे पापा आर्मी में हैं. तो आज बहुत ही खुशी का माहौल है गाइज. आई कांट एक्सप्लेन कि हम अभी कितना खुश हैं. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. Thank you.
छोटे छोटे मोमेंट को आपको मेमोरी की तरह याद रखने के लिए कुछ स्पेशल करना होता है। 30 साल देश की सेवा करना, उसके बाद हंसी खुशी घर आना बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देख लिया होगा आपको ऐसे अरेंजमेंट करना होता है। तुम दोनों ने कब से समोसा नहीं खाया भाई? 2 साल से। कैसे लग रहा है आपको चाय समोसा? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है आपको आपके बेस्ट फ्रेंड रिटायर हो रहे हैं? ये पल एक फौजी आदमी ही जान सकता है कि इस पल का कब से इंतजार करता है अपने परिवार के साथ आने के लिए। और आज हमें बहुत खुशी थी, जगह पे मैं 4 साल पहले आ चुका था रिटायर होकर। मेरा दोस्त भी आज हो सुखदार से 30 साल नौकरी करके आया, बहुत खुशी के पल है। मैं आशा करता हूँ उनके भविष्य में परिवार के साथ बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत करें और उनका पूरा परिवार उनके साथ हंसी खुशी रहे। इसी कामना के साथ उनका ऑल द बेस्ट फॉर खत्री दा। मेरे को प्राउड हो रहा है कि मेरे ताओ आर्मी में है और आज तो मजे है, मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ बड़े। तो गाइस फाइनली मैं आपको अपने पापा से मिलाने वाली हूँ। पापा से थोड़ा बात करते हैं और पूछते हैं उनको कैसा फील हो रहा है। फाइनली मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें पापा आए हैं। पापा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फीलिंग हो रहा है मेरे को, सरप्राइज। तो मेरे को पता ही नहीं चला कि आप लोग क्या करने वाले थे, लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों ने सरप्राइज दिया मेरे को। तो गाइस अभी केक कट करने का टाइम हो चुका है और अभी हम केक कट करेंगे थोड़ी ही देर में। और जो भी अरेंजमेंट हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, डेकोरेशन से हो गया या फिर पूरा मैनेजमेंट हो गया खाने का, और खाना भी काफी ज्यादा टेस्टी था। और आप देहरादून में अच्छा कैटरिंग वाला कोई देख रहे हैं तो आप जो स्क्रीन में नंबर देख रहे हैं आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सीधा मिलूंगी जब हम केक कट करेंगे, तो वो सीन भी जरूर देखिएगा। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे इस वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मेरा यूजर आईडी है priyakhatri873। और आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।